नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 बताए थे और यहाँ पे सारे फोन्स मैंने आपको सैमसंग के ही बताए थे। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सैमसंग के ही फोन्स को लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेंज होगी वो होगी 15,000 to 20,000। और यहाँ पे मैंने कमाल के एम सीरीज और एफ सीरीज और इवन देन ए सीरीज के भी कुछ फोन्स को यहाँ पे पिक किया है। तो 5 फोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और जो आगे आने वाला फेस्टिव सीजन है उनमें रियली इनमें काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेगा। और एक और दो फोन्स में तो यहाँ पे लाइक F62 हो गया, उसमें तो अभी से हैवी डिस्काउंट कर दिया है यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कमाल की होने वाली है आप सभी के लिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फोन हमारी लिस्ट में है दोस्तों, सबसे पॉपुलर फोन, ये लगभग 1-1.5 साल से काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है और ये फोन आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा। फोन का नाम है M31, सैमसंग गैलेक्सी M31। और इसकी जो करंट प्राइस है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका वेरिएंट बता देता हूँ। जो मैंने वेरिएंट चूज किया है वो है 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज। देखिए, आप 6GB और 128 में जा सकते हैं, लेकिन मैंने 15,000 से 20,000 में यहाँ पे रेंज अपनी ली है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 8GB और 128GB वाला वेरिएंट चूज किया है। Amazon में करंट पे अभी जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 17,000 रुपये है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम लोग डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.4 इंचेज की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है अगर हम लोग व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल के कैमरा और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 और 5 के मैक्रो और डेप्थ देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही टॉप नॉच और सुपर क्वालिटी का इसमें कैमरा है। प्रोसेसर की बात करें तो एक्जीनोस का 9611 2.3 GHz की बूस्टिंग के साथ में प्रोसेसर दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो प्रोसेसर उतना ब्लेजिंग फास्ट नहीं है, क्योंकि एक्जीनोस का 9611 नॉर्मल प्रोसेसर है। आपकी मल्टीमीडिया, आपके जो मल्टीटास्किंग है, डे टू डे वर्क है, उनको अच्छे से कर देगा, बट गेमिंग ब्लेजिंग फास्ट नहीं होगी। बट हाँ, आप डिसेंट सेटिंग्स में इसमें गेमिंग कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो 6000mAh की बैटरी है, 15W की यहाँ चार्जिंग सपोर्ट करता है, USB Type-C है। अब देखिए, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसमें ना देखने को मिलती हो। और पैकेज भी एक काफ़ी अच्छा है M31, और 1-1.5 साल से ये काफ़ी अच्छी पोजीशन अपनी होल्ड करके रखे हुए है। इतने सारे फोन्स आए और चले गए, लेकिन इसने अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग अपने सेकेंड फोन की तरफ, वो है यहाँ पे M51। जी हाँ, ये फ़ोन एक्चुअली यहाँ पे एक हफ्ते पहले 20,000 के अंडर था भी नहीं, लेकिन अब जो करंट में आप इसकी प्राइस देखेंगे तो आपको ये 19,999 का देखने को मिलेगा। और रियली इसके जो फीचर्स हैं, इसका जो एक्सपीरियंस है और अदर जो लोगों ने इसका रिव्यूज़ करे हैं, वो सभी बिल्कुल एकदम टॉप नॉच रहे हैं, टॉप क्वालिटी का ये फ़ोन रहा है। और इस फ़ोन को बीट करने के लिए भी एक फ़ोन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर हम लोग 20,000 में M सीरीज़ की बात करते हैं तो M51 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है। एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे 5G फ़ोन नहीं है, और 20,000 में आजकल एक दो फोन सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं करंट में 5G फोन। इसमें बस 5G नहीं है, बाकी इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 और 5 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 7000mAh की दोस्तों एक छोटा सा पावर बैंक ही इस फोन में देखने को मिल जाता है। और रियली इसकी जो बैटरी है, वो जब आप फोन नया लेंगे तो लगभग आपको 7-8 महीने तक आपको 1.5 से 2 दिन का आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा ये फोन। साथ ही में ये फोन 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर आप गेमिंग ओरिएंटेड फोन लेना चाह रहे हैं, स्पेशली सैमसंग का, तो ये फोन काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको गेमिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ इस फोन में आपको AI का गेम बूस्टर भी दिया गया है स्पेशली, तो मैं कहूंगा कि अगर आप गेमिंग ओरिएंटेड फोन चाह रहे हैं और स्पेशली इतने अच्छे फीचर्स के साथ, तो ये फोन आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। और 20,000 का देखिए अभी ये लिस्ट हुआ है, अगर आप बैंक ऑफर्स लगा देते हैं तो हो सकता हो कि आपको 18,500 में भी ये फोन मिल जाए। और 18,500 में फोन अगर आपको ये मिल रहा है तो इसको आप मत छोड़िएगा, इससे बेटर डील आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि आगे 2-3 महीने में आपको इससे बेटर डील देखने को मिलने वाली है। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने तीसरे फोन की तरफ, ये आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। नाम है फोन का सैमसंग गैलेक्सी A22।
6GB रैम और 128GB के यहाँ में वेरिएंट मैंने चूज किया है और इस फोन की जो प्राइस है वो है 18,500 रुपए। ये फोन हाल ही में लॉन्च हुआ था और इस फोन के स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा डिसेंट हैं अगर आप 20,000 के अंदर एक फोन लेने की सोच रहे हैं, स्पेशली ए सीरीज का। अगर हम लोग इस फोन के कुछ स्पेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस फोन में 6.4 इंचेस की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। साथ ही में इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 600 निट्स तक जाती है, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और आपने नोटिस किया होगा मैंने जितने फोन अभी तक बताए सभी में व्यूइंग एक्सपीरियंस कमाल का है और सैमसंग की जो फोन्स हैं स्पेशली वो इसीलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि आपको वो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी तगड़ा प्रोवाइड करते हैं एक बजट प्राइस में। लोग इस फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, तो 48 मेगापिक्सल का OIS का कैमरा दिया गया है प्राइमरी, तो मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा हाईलाइट फीचर है रियर कैमरे का। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे हल्की सी शॉर्टेज करी गई है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है सैमसंग ने और मुझे ऐसा लगता है जो बैक कैमरे में 48 मेगापिक्सल का OIS फीचर दिया है उस वजह से यहाँ पे इनको फ्रंट में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ गई। साथ ही में इसकी बैटरी की बात करते हैं तो आपको 6000 mAh की नहीं देखने को मिलेगी बैटरी, क्योंकि देखिए M सीरीज मॉन्स्टर बैटरी के लिए बनाया है और A सीरीज ऑसम एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है, तो आपको 5000 mAh की एक डिसेंट बैटरी देखने को मिलती है, तो आपको एक दिन का यहाँ पे अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बाकी इस फोन में आपको जो प्रोसेसर है वो MediaTek का Helio G80 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो गेमिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गेमिंग फोन है ये, बट इसमें आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं, लाइक M51 की ही तरह हल्की फुल्की आपको गेमिंग देखने को मिल जाएगी। तो देखिए अगर आप इस फेस्टिव सीजन में अगर आप A सीरीज का स्पेशली कोई फोन लेना चाहते हैं Samsung Galaxy A सीरीज का, तो देखिए A22 काफी अच्छा हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप 5GB वेरिएंट में जाइए, वो कॉस्टली थोड़ा सा पड़ जाएगा, 3000 रुपए आपका 20,000 के ऊपर बजट चला जाएगा, बट ये फोन काफी अच्छा है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बट जो फ्रंट कैमरा था वो अगर 20 मेगापिक्सल का होता तो रियली ये काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैक हो सकता था, बट अभी भी आप इस फोन को प्रेफर कर सकते हैं। आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे फोन की तरफ। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F62, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा और इसकी जो प्राइस है रियली मैंने जब अभी इसकी प्राइस देखी थी एक दिन पहले तो यहाँ पे रियली काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा था और इसके जो फीचर्स भी थे, देखिए 18,000 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है और इसके जो फीचर्स हैं वो आपको देखिए M51 से भी हल्के से बेटर देखने को मिलेंगे और A जो मैंने A22 अभी आपको बताया उससे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है और 500 रुपए प्राइस भी कम है। अगर मैं बात करता हूँ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग कैमरा की बात करते हैं तो 64 मेगापिक्सल्स का जो प्राइमरी कैमरा दिया गया रियर में, 12 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा और 5 और 5 मेगापिक्सल्स के मैक्रो और डेप्थ देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया और इसकी जो खासियत यह है कि ये आपको 4K रिकॉर्डिंग करके देगा फ्रंट कैमरे में। रियर में तो देखिए 4K आपको बजट 15,000 के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग वो भी 32 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में तो रियली काफी सुपर बना देता है। और इसका जो प्रोसेसर है वो एक्सिनोस का 9825 प्रोसेसर है जो कि यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो ये आपकी जो गेमिंग है उसको काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। और इसमें जो यहाँ पे गेमिंग बूस्टर दिया गया है वो माली का जो G76 है वो दिया गया है, तो आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो रियली काफी आपको स्मूथ और काफी ब्लेजिंग फास्ट देखने को मिलने वाला है। मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फोन लें तो डेफिनेटली आप F62 के साथ जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और अगर आप M सीरीज के फैन हैं तो मैंने आपको M सीरीज के यहाँ पे फोन्स बता दिए हैं, आप उनमें से भी कोई पिक कर सकते हैं। तो अब मैं देखिए आपको जो 5G फोन बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं और उस फोन का नाम है Samsung Galaxy M42 5G। अगर आपको ये Amazon पे नहीं अवेलेबल होता है, बाय द वे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अवेलेबल होता है तो आप अपने बाहर की जो शॉप्स हैं ऑफलाइन मार्केट है उसमें जाके पता कर सकते हैं, आपको ये फोन काफी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगा। तो मैंने इस फोन को देखिए यहाँ पे मई में परचेस किया था जब ये लॉन्च हुआ था 2-3 तारीख को, तो मैंने इसके रिव्यू भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा। तो ये फोन मैं जितने टाइम से यूज कर रहा हूँ 3-4 महीने से काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया, कोई लैग मुझे देखने को नहीं मिला है। तो अब चलिए हम लोग इस फोन के कुछ स्पेक्स की बात कर रहे हैं, तो M42 5G में आपको 6.6 इंचेस की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा, बट हल्का सा आपको देखिए फुल HD और HD प्लस में अंतर आएगा अगर आप पहले HD प्लस यूज करते थे।
तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हल्का सा ब्लरीनेस है, क्योंकि यही डिफरेंस होता है प्राइमरी फुल एचडी प्लस और एचडी प्लस में। कैमरा की बात करें तो कैमरा इसका रियली काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। रियर की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 5 और 5 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको अगर 15,000 के अंदर के 20 मेगापिक्सल और 20,000 के अंदर के 20 मेगापिक्सल को आप कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा और इस फोन का जो कैमराज हैं वो रियली काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेने को, कैसी कमाल की वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहती है। मिलते हैं ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।